नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ प्राची। रोजगार पाने की चाहत में देश भर से हजारों श्रमिक युद्धग्रस्त इजराइल में काम करने के लिए लखनऊ में हो रहे भर्ती अभियान में अपने किस्मत आजमाने के लिए लखनऊ आ चुके हैं। लखनऊ में एक भर्ती अभियान चल रहा है। इजराइल में बार बेंडर्स, टाइल श्रमिकों, प्लास्टरिंग श्रमिकों और बढ़ई के लिए 10,000 निर्माण श्रमिकों की आवश्यकता है। इसीलिए लखनऊ में इजराइल जाने वाले मजदूरों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। बुधवार को राजधानी लखनऊ में बनाए गए सेंटर पर मजदूर स्क्रीनिंग के लिए पहुंचे। इजराइल जाने वाले मजदूरों की परीक्षा 25 से 29 जनवरी के बीच होगी। इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षण और रोजगार निदेशक कुणाल सिल्कू ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। ये इजराइल से एक रिक्वायरमेंट आई थी कि तकरीबन 10,000 हमें कंस्ट्रक्शन लेबर्स को इजराइल में नीड थी। इसमें चार सेक्टर प्रमुख रूप से थे, बार बेंडर इसमें रिक्वायर्ड थे, टाइल वर्कर्स रिक्वायर्ड थे, प्लास्टरिंग वर्कर्स रिक्वायर्ड थे और कारपेंटर में जो फ्रेमवर्क वर्कर्स होते हैं ये रिक्वायर्ड थे। ये चार सेगमेंट के लोग रिक्वायर्ड थे और उसी क्रम में ये कार्रवाई शुरू की गई और इसमें 10,000 उनकी अभी इनिशियल वैकेंसी थी, उसके अगेंस्ट में तकरीबन 11,000 श्रमिकों को, जो कुशल श्रमिक थे हमारे इन चारों सेक्टर्स में, उनका चिन्हांकन पूरे प्रदेश भर में किया गया है और हर जनपद, हर मंडल से इसमें लेबर सेलेक्ट हुए हैं। इसराइल की टीम उत्तर प्रदेश में 23 जनवरी को से आई है और तब से टेस्टिंग की कार्रवाई लगातार चल रही है। 23 जनवरी को इसका एक लॉन्च इवेंट भी हुआ था जिसमें कि ऑनरेबल श्रम मंत्री जी और ऑनरेबल जो शिक्षा मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, दोनों मंत्रियों के द्वारा संयुक्त रूप से इसमें एक कार्यक्रम कराया गया। परीक्षा के लिए राजकीय ITI अलीगंज को नामित किया गया। इसराइल में मजदूरों को 1,37,260 रुपए हर महीने सैलरी मिलेगी। मजदूरों को रहने के लिए आवास सरकार देगी, वहीं खाने पीने और मेडिकल बीमा का पैसा मजदूरों को खुद उठाना होगा। इसराइल जाने वाले मजदूर जो कि स्क्रीनिंग के लिए लखनऊ आए हुए हैं, आइए आपको सुनाते हैं वो लोग क्या कुछ बता रहे हैं। मैं यहाँ आया हूँ लखनऊ अलीगंज ITI कॉलेज, ये क्या कहते हैं, श्रमिकों के लिए इसराइल से भर्ती निकली है। ये हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और क्या कहते हैं एक प्राइवेट कंपनी है उसकी साझेदारी में ये जो भर्ती निकली है और उत्तर प्रदेश से 10,000 श्रमिक भेजे जा रहे हैं तो उनका परीक्षण हो रहा है यहाँ पर। हम लोग श्रम विभाग से रजिस्ट्रेशन करवाए थे, भारत सरकार की एक योजना है, चाहे जो भी मतलब इसराइल से मांगा गया है कि आप 1,00,000 श्रमिक दीजिए, जिसमें उत्तर प्रदेश के नाम पर 10,000 श्रमिकों की मांग है। तो उसमें हम लोग अपने जिले पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, रजिस्ट्रेशन के लिए अपने श्रम विभाग में जाएंगे, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसके 10 दिन बाद कॉल आ रही है आपके यहाँ कि फलाना तारीख को आपका जो है इंटरव्यू लखनऊ ITI कॉलेज में है। फिर वहाँ से हम लोग मतलब सरकारी व्यवस्था से यहाँ तक आ रहे हैं, उसके बाद इंटरव्यू हो रहा है, उसके बाद अब देखिए फोन आएगा आप पास हैं कि फेल हैं, वो तो आपके काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको बता दें काम की तलाश और अच्छे पैसों की चाह में उत्तर प्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों के मजदूर इसराइल जाना चाहते हैं। इन्हीं की स्क्रीनिंग लखनऊ में चल रही है। भारत और इसराइल सरकार के बीच मुख्यमंत्री मिशन रोजगार योजना के तहत MOU हुआ है। इसके तहत 10,000 प्रशिक्षित श्रमिकों को इसराइल भेजने की तैयारी की जा रही है।